मार्केट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है या मार्केटिंग से रिलेटेड है, कुछ भी इसका लेना देना नहीं है। डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, इससे इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत ही अलग इंडस्ट्री है और आईटी की ही इंडस्ट्री है, अच्छी खासी इंडस्ट्री है। ऐसे लोग लेट आते तो फिर वही चीज है कि बार बार रिपीट करना पड़ता है मुझे। तो मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री बहुत ही अलग अच्छी इंडस्ट्री है आईटी की। इसका रिलेशन किसी और इंडस्ट्री के साथ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट नहीं है, ये मार्केटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ये मार्केट्स, मार्केट्स मतलब क्या होता है ना, जो अलग अलग मार्केट होते हैं, जैसे ऑटोमोटिव मार्केट, ठीक है, जैसे एरोस्पेस मार्केट, मेडिसिन का मार्केट मतलब फार्मा, ठीक है, जैसे केमिकल्स मार्केट। तो ये जो मैं बोल रही हूँ ना, अलग अलग जो इंडस्ट्रीज होती है इनको हम मार्केट बोलते हैं। तो ये सारे मार्केट्स की पढ़ाई करना, रिसर्च करना, एनालिसिस करना, वो मार्केट रिसर्च होता है, ठीक है। ये जो इंडस्ट्री है ये बी टू बी, इसमें काम होता है बिजनेस टू बिजनेस। मतलब मेरा एक बिजनेस है, मैं मार्केट रिसर्च की फाउंडर हूँ एक कंपनी की, तो मेरा काम है कि मैं वो रिपोर्ट बना के किसी दूसरे बिजनेस को दूँ। अब हो सकता है, ठीक है, ऑटोमोटिव वालों का हो सकता है, केमिकल वालों का हो सकता है, कोई सर्विस वालों का हो सकता है, प्रोडक्ट, मतलब कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, ठीक है। वो और उसके बाद हाँ, तो ये रिसर्च एनालिस्ट जो हम देख रहे हैं, रिसर्च एनालिस्ट एक पोजीशन होती है जो मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री की होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, ठीक है। अब इसमें बी टू सी का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ बी टू बी से रिलेटेड है, इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद इसमें आपको कितनी एजुकेशन, आपका क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, तो आप कोई भी एक ग्रेजुएट हो, MBA अगर किया तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसमें MBA वालों को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, बट हर एक को नहीं दिया जाता। वो कुछ कुछ एक दो कंपनीज है जिसमें MBA वालों को थोड़ा ज्यादा मतलब प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इसमें क्या है, ग्रेजुएशन कोई भी हो, आपने इवन BA किया हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर आपने वो किया है, उसकी भी मतलब कोई टेंशन नहीं है, वो लोग मतलब उसमें भी आपको सिलेक्शन हो सकता है। बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, अगर आप कॉन्फिडेंस आप में नहीं है, कॉन्फिडेंस मेन चीज है, इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, इंग्लिश के साथ छोटी छोटी इंग्लिश बोल पर बोलो। उसके बाद यहाँ पे ये शायद ना, हाँ तो आवाज बहुत तेज है। अब ये जो मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री है, ठीक है, ये दोनों टाइप के इंडस्ट्रीज को केटर करती है, प्रोडक्ट बेस्ड भी, सर्विस बेस्ड भी, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड जैसे स्मार्टफोन, बुक मार्केट, पैकेज फूड वगैरह वगैरह, ये प्रोडक्ट। सर्विस बेस्ड मतलब कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, कोटिंग कंपनी, तो ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, समझ रहे हो, जो सर्विस देती है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती। जैसे नवनाथ सर की कंपनी NMD, वो सर्विस बेस्ड है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती। तो मार्केट रिसर्च कंपनीज जो है दोनों टाइप के इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रही है। उसके अलावा हमने ये चीज पढ़ी थी बेसिक, हमने ये चीजें पढ़ी थी कल, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च रिपोर्ट में चार तरह की चीजें आती है, ठीक है, चार तरीके की, वो हम आज मतलब मैंने कल बेसिक सिखाया था, हम एक एक करके हर लेक्चर में अच्छे से डिटेल में उसको देखेंगे क्या होता है। तो पहली चीज होती है डायनामिक्स ऑफ द मार्केट। कोई भी मार्केट का डायनामिक्स क्या होता है ना, डायनामिक्स मतलब शॉर्ट आप समझ लो, ठीक है, शॉर्टकट में अगर सिंपल में बताऊं तो कोई भी मार्केट का डायनामिक्स मतलब कोई भी मार्केट का, वो मार्केट बढ़ क्यों रहा है, घट क्यों रहा है, ट्रेंडिंग क्यों है, रीजन क्या है, समझ रहे हो, वो उसको हम लोग प्रोफेशनल भाषा में, मार्केट रिसर्च की भाषा में उसको डायनामिक्स बोलते हैं। तो डायनामिक्स ऑफ द मार्केट पहला जो सेक्शन है वो, ठीक है। दूसरा सेक्शन हमने देखा था सेगमेंट रैंकर, मतलब कोई भी एक मार्केट जब होता है उसके तरीके के छोटे 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 पार्ट्स होते हैं। अब जैसे अगर कोई लगेज मार्केट है, लगेज मतलब सबको पता ही होगा, ठीक है, लगेज क्या होता है, लगेज के अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं, ट्रैवल के लिए वो यूज होता है कुछ लगेज, ठीक है,
एजुकेशन मतलब कॉलेज स्कूल के लिए अलग तरीके के लगेज होता है, बैग होता है, तो ये हर एक मार्केट का कोई ऐसा दुनिया कोई मार्केट नहीं है जिसका बाइफर्केशन जो आगे टुकड़ों में डिवाइड नहीं हो सकता, हर एक मार्केट टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है, हर एक मार्केट का बाइफर्केशन टाइप्स वगैरह होता है, ठीक है, तो इसीलिए सेगमेंट राइटअप उसलिए यूज होता है, सेगमेंट राइटअप उसलिए यूज होता है कि हर एक मार्केट के जो छोटे 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 टाइप्स है ना, जो आगे के टाइप्स है उनको भी अच्छे से हम लिखें, वो बोलते हैं सेगमेंट राइटअप। रीजनल राइटअप वो होता है, इसके नाम में रीजन है, रीजन तो उसका मतलब ही वो है कि सारे रीजन दुनिया के जितने भी रीजन है सारे रीजन के बारे में एक एक करके लिखा जाए, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, ठीक है, और हर एक रीजन में बहुत सारी कंट्रीज होती है। अब हम हर एक कंट्री को नहीं लेते, हम सिर्फ मेन मेन कंट्रीज को लेते हैं, ठीक है, मेन मेन कंट्रीज को लेते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका में मेन कंट्रीज है अपना यूएस है, कनाडा है, यूरोप में मेन कंट्रीज है जो टॉप के कंट्रीज है वो ये है, और बाकी जो छोटे 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 हैं उनमें उनको हमने अदर्स में डाल दिया है। एशिया पैसिफिक में जो मेन कंट्रीज है उनको यहाँ पे लिया है, बाकी सारे छोटे 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 कंट्रीज को अदर्स में डाल दिया है, और लैटिन का भी सेम है, मिडल ईस्ट, अफ्रीका। तो ये रीजनल राइटअप क्या होता है, कुछ नहीं होता, रीजनल राइटअप जो है रीजन के ऊपर हमें लिखना है, खत्म, ठीक है, उसके नाम में उसका मतलब है। और लास्ट चीज हमने जो देखी थी कंपनी प्रोफाइलिंग, मतलब कॉम्पिटिटर एनालिसिस जिसको बोला जाता है, इसके नाम में भी मतलब है, ठीक है, कॉम्पिटिटर मतलब क्या, कॉम्पिटिशन मतलब मैं जिस बिजनेस में हूँ मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा रिक्रूटमेंट फर्म है, ठीक है, तो मेरे जो फर्म है मेरा कंपनी है रिक्रूटमेंट का, तो उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है पूरे पुणे में, पूरे इंडिया में, तो उनके बारे में मैं रिसर्च करूंगी कि ये लोग कैसे अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, उनका स्ट्रेटेजी क्या है, उन्होंने पिछले 2-3 सालों में क्या ऐसा किया है, बानेर में उनका ऑफिस है, कातरज में उन्होंने खोल लिया, अच्छा किया, कैसे खोला, उसके ऊपर रिसर्च करूंगी। और ये कैसे काम आ सकता है, ऑब्वियसली मैं अगर कोई बिजनेस खोल रही हूँ तो ये सारी चीजें रिसर्च वगैरह मेरे काम आएंगी मेरे बिजनेस के लिए, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है कोई भी बिजनेस ओनर के लिए, ठीक है, तो वो हम करके देते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हमने कल सीखी थी, आज हम लोग शुरुआत करेंगे इससे, डायनामिक्स ये हम पूरा आज देखने वाले हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो आज हो सकता है कि हम एक घंटे में आज इसको आधा पढ़े कल आधा पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को ना एक एक चीज अच्छे से समझे, मैं ये नहीं चाहती कि एक ही दिन में फटाफट से पूरा पूरा सिखा दो, तो वो अच्छी बात नहीं है, तो बेटर है देखते हैं, डायनामिक्स थोड़ा सा बड़ा है सेक्शन, तो देखेंगे आज एक घंटे में हम जितना अच्छे से समझ पाए चीजों को समझेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अरे यार ये लोग लेट क्यों आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, 10 मिनट, ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये मैंने पीपीटी ऑलरेडी यहाँ पे खोल रखी है, ठीक है, ये आप लोगों को मिल जाएगी बाय एंड ऑफ द डे, शाम या रात तक आप सबको ये पीपीटी ग्रुप में मिल जाएगी, तो ये मैं शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। अब ये इसको हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीजें मैंने यहाँ पे कुछ लिखी है वो हम पढ़ लेते हैं। बहुत से लोगों का कल क्वेश्चन था कि भाई जो मार्केट रिसर्च है इसके लिए क्या पढ़ाई चाहिए, ये चाहिए, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। आपका कोई भी बैकग्राउंड है, आप आईटी से हो, नॉन आईटी से हो, आपने इंजीनियरिंग की है, आपने एमबीए किया है, आपने बीए किया है, कॉमर्स किया है, कुछ भी किया है, हर एक टाइप का जो है एजुकेशन, जो भी बैकग्राउंड है, हर बच्चा इसमें जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, तो वही यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। वही यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेंशन किया है, ठीक है। और सेकंड चीज, मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी, ठीक है, कि कल से जब हमारा लेक्चर होगा, ठीक है, जब से भी होगा, कल या मंडे से, तो सारे के सारे लोग टाइम पे आएंगे, ठीक है। अगर एक चीज बोली है ग्रुप में तो उसी टाइम पे आपको आना है, एक मिनट भी लेट नहीं होना है, और अगर आप लेट हो गए तो मैं वो चीज रिपीट नहीं करूंगी, मैं अपना सिखाती जाऊंगी, ठीक है, तो टाइम पे आना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट रिसर्च के लिए कोई भी इंसान जा सकता है। उसके बाद ये वाली स्लाइड में क्या है ना, कि मुझे एक स्टूडेंट ने कल उन्होंने पूछा था कि
कौन से मतलब इंडस्ट्री के लिए, जैसे फार्मा, उन्होंने मुझे पूछा था कि अगर फार्मा कोई कंपनी है, मेडिकल की कोई कंपनी जो दवाई बनाती है, उनको अगर रिपोर्ट चाहिए होगा तो वो भी उसके लिए बना सकते हैं क्या? तो मैंने उन्हें जवाब दिया था हाँ। तो इसमें मैंने वही चीजें लिखी है कि जो डोमेन्स ऑफ मार्केट रिसर्च, ठीक है, कोई भी मार्केट रिसर्च कंपनी में अलग अलग तरीके के टीम्स होती है, अलग टीम, जैसे अब नवनाथ सर की कंपनी है NMD, इसमें अलग अलग टीम है, कौन कौन सी, काउंसलर्स की अलग टीम है, ठीक है, जो टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उनकी एक अलग टीम है, जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उनकी अलग टीम है, समझ रहे हो, जो सेल्स करते हैं उनकी अलग टीम है, BD वालों की। तो ये सेम चीज मार्केट रिसर्च कंपनी में भी होती है कि उनके अलग अलग डोमेन होते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो अब जैसे मार्केट रिसर्च कंपनी में ये अलग अलग डोमेन है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑटोमोटिव, ठीक है, मतलब गाड़ियां, जो गाड़ियां वगैरह उनके पार्ट्स बनाते, गाड़ियां बनाते, वो ऑटोमोटिव सेक्टर हो गया। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक टीम्स होती है, केमिकल की एक अलग टीम होती है, हेल्थ केयर मतलब फार्मा मेडिकल की एक अलग होती है, IT की एक अलग होती है, जो IT या लैपटॉप या समझ रहे हो ये IT से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उनकी एक अलग टीम होती है। कंज्यूमर गुड्स, अब कंज्यूमर गुड्स क्या होता है वो मैं बताती हूँ। कंज्यूमर गुड बहुत ही ईजी डोमेन होता है, जैसे अपना पानी का बॉटल, ठीक है, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन इलेक्ट्रिकल्स में भी, इसमें भी आ सकता है, कंज्यूमर गुड में भी आ सकता है। बुक, ठीक है, जो बुक है वो कंज्यूमर गुड में, कंज्यूमर गुड कौन सा डोमेन होता है, कोई भी चीज नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, जैसे चेयर, टेबल, बुक, पेन, पेंसिल, उसके बाद बॉटल, समझ रहे हो, ब्रेसलेट, तो ये क्लोथिंग मार्केट, तो ये जितने भी है जो डे टू डे डेली लाइफ में यूज करते हैं वो कंज्यूमर गुड में आ गया। पैकेजिंग, पैकेज मतलब जो पैकेज फूड्स होते हैं वो पैकेजिंग या बॉक्सेस होते हैं वो पैकेजिंग, तो पैकेजिंग का एक अलग टीम होता है। हाँ बोला, हेलो, लेट भी लगता अमरदीप।
हेलो, ऑनलाइन वाले आप लोग, ये कब से इंटरनेट नहीं था बता सकते हो? हेलो, 5 मिनट हो चुके हैं मैम। 5 मिनट? ओके ठीक है. तो पहला चीज, ठीक है, डायनामिक्स, जो मैंने कल बेसिक चीजें सिखाई थी उसमें का पहला पार्ट हम सीखने वाले हैं, डायनामिक सेक्शन. डायनामिक सेक्शन में अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो मैंने कल आपको बताए थे, तो वो हम सीखने वाले. पहला होता है ड्राइवर. ड्राइवर या ड्राइविंग फैक्टर. ड्राइविंग फैक्टर मतलब क्या होता है कि कोई भी मार्केट जो है, कोई भी मार्केट को, ठीक है, कोई भी मार्केट को ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइवर. तो वो हम सीखने वाले. तो वो हम सीखने वाले, ठीक है. तो अब देखो, पहले तो मैं ये बता दूं कि जब आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मार्केट, इस पे आपको रिपोर्ट बनाना है, तो पहले तो क्या करना है, इसके बारे में पूरा पढ़ना है गूगल पे कि ये है क्या, ठीक है. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मतलब मार्केट का नाम दिया जाता है, हम लोग थोड़े वो हो जाते हैं कॉन्फिडेंट कि हम लोग को तो पता है, लेकिन हम उसके बारे में पढ़ते नहीं है. तो ये सबसे गलत चीज है, हमें पहले पढ़ना है, ठीक है. गूगल पे जाके देखना है व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अब वो मैं पहले आपको स्टेप बताती हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे आप गए, व्हाट इज इलेक्ट्रो प्लेटिंग. तो ये देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मीनिंग बहुत तरीके से यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है बेसिकली, ठीक है. अब ये देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज नोन एज दिस दिस इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग अ मेटल कोटिंग ऑन अ सॉलिड सबस्ट्रेट थ्रू द रिडक्शन ऑफ कैशंस ऑफ दैट मेटल बाय मीन्स ऑफ अ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट. तो मतलब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा समझ रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसमें प्लेटिंग किया जाता है, कोटिंग किया जाता है, ठीक है, कोई भी मतलब मेटल सरफेस पे, ठीक है. अब इसके बारे में और थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे आके कि वो क्या होता है एग्जैक्टली. देखो यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ प्लेटिंग अ मेटल ऑन टू दी अदर बाय हाइड्रोलिसिस मोस्टली टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल. समझ रहे हो, मतलब कोई भी मेटल सरफेस है उसको कोरोजन से मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, सड़ने से प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर प्लेटिंग किया जाता है, कोटिंग किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. समझ रहे हो? तो इस तरीके से मुझे समझ रहा है कि हाँ ये कहाँ पे यूज किया जाता है. थोड़े इमेजेस भी आप लोग देख सकते हो ताकि अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जिस पे जिस रिपोर्ट पे हमें काम करना है, हमें पहले वो समझ में आना चाहिए कि वो होता क्या है, ठीक है, वो प्रोडक्ट के बारे में हमें समझना चाहिए. तो यहाँ पे देखो, कुछ कुछ इमेजेस से मुझे और अच्छे से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या. ठीक है, तो यहां से मुझे समझ रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या. तो कोई भी यार, आपको जब रिपोर्ट हो तो पहले उसके बारे में पढ़ लिया करो अच्छे से कि क्या है, कैसा है वो मार्केट, क्या है. समझ रहे हो? तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए कि वो है क्या. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग अब मुझे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ गया, ठीक है. अब विकिपीडिया पे भी, यहाँ पे विकिपीडिया पे बहुत इंफॉर्मेशन होती है, वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है. इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल डिपोजिशन, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग अ मेटल कोटिंग, ऑन अ सॉलिड सबस्ट्रेट, ठीक है. तो बहुत सी चीजें मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पता चल रही है, यहाँ पे मैंने पढ़ लिया अच्छे से. ओके, तो पढ़ो अच्छे से इसको, एक एक चीज को, और उसके बाद फिर स्टार्ट करो अपना काम. अब यहाँ पे पीपीटी में वापस आते हैं. पहला चीज मैं जो बता रही थी आपको, ड्राइवर, डायनामिक्स सेक्शन. हम आज के लेक्चर में डायनामिक सेक्शन सीख रहे हैं, और डायनामिक सेक्शन में अलग अलग पार्ट होता है वो हम सीखेंगे. तो पहला पार्ट है ड्राइवर या ड्राइविंग फैक्टर. ड्राइविंग फैक्टर मतलब कोई भी मार्केट को, ऐसे फैक्टर जो कोई भी मार्केट को ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, उसको प्रॉफिट दे रहे हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स है. तो पहला फैक्टर है,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग मार्केट को जो पहला फैक्टर जो उसको बढ़ा रहा है, ठीक है, वो पहला फैक्टर यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, रैपिड ग्रोथ ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मतलब गाड़ी की इंडस्ट्री, मतलब जैसे बाइक कार कोई भी ऑटोमोटिव, मतलब जो गाड़ियां होती है वो, ठीक है, तो वो इंडस्ट्री उसकी ग्रोथ हो रही है, इसीलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग मार्केट की ग्रोथ हो रही है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता चला, मैं क्या की यहाँ पे गई, ठीक है, मैंने क्या किया, चलो यहाँ पे मैं गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग मार्केट या इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री, तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, तुम लोग यहाँ पे गूगल पे कुछ भी लिख सकते हो, गूगल तुम्हें सारी चीजों का आंसर देगा। तो मुझे पता करना है कौन से फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मार्केट को ऊपर उठा रहे हैं। अब मैंने एंटर कर दिया, अब देखो, अब इतनी सारी चीजें, ये देखो, ये जो फ्यूचर मार्केट इनसाइट से एक मार्केट रिसर्च कंपनी है, ठीक है, बानेर में, तो ये इनकी रिपोर्ट सबसे पहले आ गई मेरे सामने। अब लेकिन देखो, हमें ना ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठानी है, ये इन्फॉर्मेशन हमें कोई मार्केट रिसर्च कंपनी से नहीं उठानी, ये इन्फॉर्मेशन हमें ऑथेंटिक सोर्स से उठानी है, मतलब कोई अच्छा गवर्नमेंट वाला पीडीएफ हो गया, कोई मतलब ऑथेंटिक सोर्स, मतलब समझ रहे हो, कोई भी यहाँ वहां से नहीं उठाना है, अच्छी जगह से इन्फॉर्मेशन उठानी है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ, ठीक है। अब ये चीज बहुत ही ध्यान से देखना है सबने, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये तुम लोगों को हर इंडस्ट्री में काम आएगा, ना कि सिर्फ मार्केट रिसर्च में। तो ये जो मैं सिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे गूगल पे लिख दिया, अब गूगल पे तुम जो भी लिखोगे गूगल तुम्हें कुछ भी देगा, कोई भी लिंक दे देगा, लेकिन मुझे सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स की लिंक चाहिए, जहां से मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट का पीडीएफ हो गया, कोई गवर्नमेंट का डेटा हो गया, वहां से मुझे कुछ चीजें उठानी है, कोई बड़ी कंपनी का डेटा हो गया, वहां से मुझे उठाना है इन्फॉर्मेशन। उसके लिए मैं गूगल को बोलूंगी मुझे ये फालतू के इन्फॉर्मेशन मत दो, ठीक है, मुझे अच्छी जगह से इन्फॉर्मेशन दो। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे स्पेस, ठीक है, प्लस, ठीक है, जीओवी, जीओवी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, जीओवी प्लस पीडीएफ, ठीक है, प्लस ओआरजी। इसका मतलब क्या है, ये कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपको अगर नहीं आएगा तो आप मार्केट रिसर्च में कुछ नहीं कर सकते, आपको इसका आना चाहिए यूज करना। तो अब मैंने गूगल को क्या बोला है, मुझे ये बताओ ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री मुझे बता दो, लेकिन इनमें से बताओ, गवर्नमेंट, जीओवी, गवर्नमेंट का कोई अगर वेबसाइट है, कुछ है, वहां से बता दो, पीडीएफ, ठीक है, ओआरजी मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से, बड़ी कुछ कंपनी से, वहां से, इंडस्ट्री से मुझे इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है। अब देखो, अब मैं जब एंटर करूंगी तो क्या होगा, अब मैंने एंटर किया, अब यहाँ का डेटा चेंज हो जाएगा, तुम लोग समझ रहे हो, अब यहाँ का डेटा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या है, ये देखो, ये किसी गवर्नमेंट के आर्टिकल से मुझे ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो तुम लोग समझ रहे हो कि यहाँ पे कीवर्ड्स का कितना बड़ा रोल है, तुम लोग समझ रहे हो, मतलब ये अभी वापस मैं तुम लोग को दिखाती हूँ, ये मैंने वापस हटा दिया, ठीक है, अब वापस वो फालतू जो मार्केट रिसर्च कंपनीज है उनका डेटा आ जाएगा। देखो देखो, फ्यूचर मार्केट इनसाइट्स, ठीक है, फिर ये वापस फ्यूचर मार्केट, फिर इनसाइट पार्टनर्स, ये सारी की सारी मार्केट रिसर्च कंपनीज है पुणे की, प्रेसिडेंस, वेरीफाइड, ये सब, ये मुझे चाहिए ही नहीं, इनसे मुझे डेटा चाहिए नहीं, क्योंकि ये खुद कहीं और से डेटा उठाते हैं, ठीक है। तो स्पेस प्लस जीओवी, ठीक है, प्लस ओआरजी, प्लस आर्टिकल, मतलब तुम लोग समझ रहे हो, तुम लोग ये मेरा कॉपी पेस्ट मत करना, मैं बस तुम लोग को ये बता रही हूँ कि तुम लोग ये यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी कीवर्ड डाल सकते हो, जीओवी, ये तो मैंने अपने थिंकिंग के हिसाब से डाला, तुम लोग अपने थिंकिंग के हिसाब से डालना, ठीक है, आर्टिकल प्लस पीडीएफ, खत्म। तो ये अब मेरे को यहाँ से थोड़े बेटर सोर्सेस से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। तो यहां से मैं उठाऊंगी, देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग दिस 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 दिस, ठीक है, इसको मैंने खोला दूसरे वाले टैब में। भाई इतने लेट ये लोग आते हैं ना, मेरे को सही में फिर रिपीट नहीं करूंगी मैं कुछ। ठीक है,
ठीक है, तो वही मैं बोल रही थी कि ये देखो, अब देखो ये खुल गया, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई अच्छा खासा आर्टिकल है जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में लिखा है। अब ये मैंने देखा, ये सब है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग दिस दिस दिस, ठीक है। अब फिर नीचे आए हम, नीचे आए, ठीक है, ये देखो जो मैंने सेगमेंट राइटअप, याद है तुम लोग को बताया था सेगमेंट राइटअप, अब उसका यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आ गया है क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के और भी टाइप्स है, समझ रहे हो, उसके और टाइप्स है, पार्ट्स है, ठीक है। जैसे क्लोदिंग मार्केट है, क्लोदिंग, मैंने कपड़े पहने, तुम लोगों ने पहने, तो अब इसमें भी पार्ट्स है, ब्लेजर हो गया, शर्ट हो गया, पैंट हो गया, फॉर्मल अटायर हो गया, इनफॉर्मल अटायर हो गया, कैजुअल अटायर हो गया, ये कुर्ती पंजाबी सूट अटायर हो गया, ठीक है, ये अपना स्वेट शर्ट हो गया। तो तुम लोग समझ रहे हो, जो टुकड़े मैं बता रही हूँ ना, कोई भी मार्केट का, हर एक मार्केट के टुकड़े होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे आ गया, इसके देखो सेगमेंट कौन कौन से, क्रोमियम, हार्ड क्रोमियम, समझ रहे हो। तो ये मेरे कहने का मतलब था। वापस जाते हम डायनामिक्स में, तो देखो ये ऐसे कीवर्ड्स ढूंढा जाता है, ठीक है, ये तुम्हें मैंने एग्जाम्पल बता दिया कैसे तुम लोग ढूंढ सकते हो। अब वापस पीपीटी पे चलते हैं। तो देखो अब मैं तुम लोग को चैट जीपीटी यूज करना सिखाऊंगी। चैट जीपीटी बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बेस्ट है। तो उसमें से हमें इजीली, पहले जब चैट जीपीटी नहीं था, जब मैं पहले काम करती थी मार्केट रिसर्च में, तब उस टाइम पे चैट जीपीटी नहीं आया था बहुत पहले, तो तब हमें गूगल से करना पड़ता था सब, गूगल से ढूंढना पड़ता था। अब चैट जीपीटी आ गया, उस पर दुनिया भर का कुछ भी पूछ लो, इजीली मिल जाएगा। देखो अब जैसे मैंने, ठीक है, चैट जीपीटी यहाँ पे खोला, अब देखो ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रो प्लेटिंग मार्केट, ठीक है, या इसको अच्छे से बोलना पड़ता है, प्लीज प्रोवाइड मी, ठीक है, फोर या थ्री, चलो टू कह देते हैं, प्लीज प्रोवाइड मी टू फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रो प्लेटिंग मार्केट। अब मैंने एंटर कर दिया, अब देखो ये बताएगा मेरे को, देख रहे हो क्या बताया, ग्रोइंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर गुड्स, समझ रहे हो तुम लोग क्या बोल रही है, ग्रोइंग डिमांड, किसकी डिमांड ग्रो हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ये लैपटॉप वगैरह, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स मतलब ये जो चीजें, ये अपना रिमोट हो गया या कोई भी, हाँ, तो कंज्यूमर गुड्स मतलब चीजें जो मैंने तुम्हें बताई, ये हो गया टेबल, तो मतलब इनका डिमांड ग्रो हो रहा है। और दूसरा ये क्या बोल रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये कुछ भी बता सकते हैं, इतना अच्छा है। पर चैट जीपीटी से पूछने की वो होनी चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए पूछना क्या है, हमें चाहिए क्या, समझ रहे हो। तो इस तरीके से चैट जीपीटी हमें हेल्प करेगा। अब देखो, अब लेकिन यार मुझे ये पूरा पेज भरना है, ये पूरा पेपर भरना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, चैट जीपीटी ने मुझे बस दो लाइन की इन्फॉर्मेशन दी है, वो मेरे लिए काफी नहीं है, मैं वापस गई, ठीक है, प्लीज प्रोवाइड मी मोर डेटा या मोर इंफॉर्मेशन, जो भी अपने मन में है वो कह लो, ठीक है, मोर डेटा या मोर इंफॉर्मेशन ऑन द अबव ड्राइवर्स, मतलब मैंने बोला कि मुझे और इंफॉर्मेशन दो, जो आपने ऊपर लिखा है उसके बारे में और अच्छे से मुझे इंफॉर्मेशन दो, ठीक है। अरे यार ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल, तो समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब मैंने ये बता दिया, ठीक है, कि ये कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, और एक एक चीज, चैट जीपीटी बेस्ट है। अगर तुम लोग को चैट जीपीटी नहीं है हो रहा है, ठीक है, तो मैं तो बोलूंगी मतलब वो सीख लो, बहुत इजी चैट जीपीटी, तो उसमें से हमें इतना अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिल सकता है, ठीक है। अब देखो ये नीचे दूसरा ड्राइवर है, ठीक है, ये पहला ड्राइवर जो मैंने बताया, दूसरा ड्राइवर क्या है यहाँ पे, अच्छा दूसरा ड्राइवर नहीं लिखा है, सीधे रेस्ट्रेंट लिखा है। रेस्ट्रेंट भी मैंने तुम लोग को कल बताया था, क्या बताया था, रेस्ट्रेंट की ड्राइविंग फैक्टर जो है, ठीक है, उसका ऑपोजिट जो फैक्टर होता है वो रेस्ट्रेंट होता है। जैसे अगर कोई फैक्टर मार्केट को उठा रहा है तो वो ड्राइविंग फैक्टर है, कोई मार्केट को घटा रहा है तो वो हो गया रेस्ट्रेनिंग फैक्टर, समझ रहे हो। तो अब इसका मैंने रेस्ट्रेनिंग फैक्टर यहाँ पे क्या लिखा है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑपरेशंस,
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रो मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब जो अपने एनवायरमेंट में अपने आसपास ठीक है जो इम्पैक्ट होता है इस ऑपरेशन का इस प्रोसेस का इलेक्ट्रोप्लेटिंग से उसके वजह से ये मार्केट थोड़ा घट रहा है ठीक है। ये भी मुझे चैट जीपीटी से मिल गया ठीक है, मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया ठीक है। तो तुम लोग समझ रहे हो, अब एक ऐसा कोई तो सॉफ्टवेयर है, अब क्या होता है ना कभी कभी हमें एग्जैक्ट हम नहीं उठा के छाप सकते कहीं से, हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है इधर उधर, समझ रहे हो। तो उसके लिए भी एक टूल है जिसको बोलते हैं टर्बो स्पिनर। क्या बोलते हैं? टर्बो स्पिनर। मैं उसका यहाँ पे ना स्पेलिंग लिख देती हूँ नीचे, तुम लोग वो भी नोट कर लो, टर्बो स्पिनर। अब ये टूल का क्या वो है, यूज क्या है कि इस टूल में हम कुछ भी अगर सेंटेंस डालेंगे ठीक है तो ये अपने हिसाब से उसको चेंज कर देगा, समझ रहे हो तुम लोग। क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हम नहीं कर सकते, हम कॉपी पेस्ट जब करते हैं ना तो वो थोड़ा इंप्रेशन डाउन होता है, तो जनरली हम थोड़ा घुमा के लिखते हैं। चैट जीपीटी से कॉपी किया, उठाया, टर्बो स्पिनर टूल खोला, उसमें डाला, उसको घुमा दिया सेंटेंस को और वो छाप दिया यहाँ पे, समझ रहे हो तुम लोग। तो ये इसका यूज है टर्बो स्पिनर का ठीक है। अब देखो टर्बो स्पिनर, ठीक है टर्बो स्पिनर। अब ये देखो ये जो पहला वाला है ना आपका, इसी को आपने ओपन करना है ओके। आपने ओपन किया, अब इसको मैं ये देखो ये पहला वाला जो पैराग्राफ है इसको कॉपी किया मैंने कंट्रोल सी ठीक है, कंट्रोल प्लस सी जब दबाओगे तो कॉपी हो जाएगा। क्या दबाओगे? कंट्रोल सी, ऐसे कॉपी कर लो इस सेंटेंस को ठीक है। अब क्या करो, यहां पे आते टर्बो स्पिनर पे, अब इसको तुम क्या करोगे पेस्ट करोगे कंट्रोल वी, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए क्या करोगे कंट्रोल वी ओके हो गया। अब ये नीचे दिख रहा है तुम लोगों को स्पिन, हाँ स्पिन दिख रहा है, अब इसको तुम क्लिक कर दो, समझ रहे हो। तो ये कैप्चर कोड इज रॉन्ग, एक मिनट नीचे कैप्चर लिखना है, नीचे कैप्चर लिखना है, हाँ ये मैं कैप्चर सॉरी एक मिनट मिनट ट्राई अगेन करना पड़ेगा, ट्राई अगेन करना पड़ेगा अभी उधर वी यहाँ पे कैप्चर करना पड़ेगा वी जे एन आर जी ठीक है। अब इसको एंटर कर लो भाई, अब स्पिन करते हैं ठीक है, अब देखते हैं सक्सेस, चलो हो गया। तो ये समझ रहे हो तुम लोग कि ये देखो अभी सेंटेंस मैंने क्या उठाया था ना, सेंटेंस मैंने यहां से उठाया था ये वाला ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑपरेशंस प्रोड्यूस एमिशंस ऑफ टॉक्सिक वगैरह वगैरह बर्न्स तक, मतलब ये पूरा मैंने सेंटेंस यहाँ से उठाया था और यहाँ पे मैंने पेस्ट करा था ठीक है। एक सेकेंड, ये एज इट इज बता रहा है क्या? नहीं, poisonous, देखो ये मैंने सेंटेंस उठाया था ठीक है और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट करके स्पिन कर दिया, तो यहाँ पे देखते हम इसने कुछ चेंज किया है कि नहीं। हाँ ये देखो यहाँ पे क्या था, क्या डिग्रीजिंग एंड क्लीनिंग सॉल्यूशंस, यहाँ पे उसने सॉल्यूशंस की जगह आंसर्स लिखा है, समझ रहे हो। फिर यहाँ हाँ यहाँ पे भी इसने क्या लिखा था, यहाँ पे देखो एयर पोल्यूशन है, यहाँ पे पहले था पोल्यूटेंट्स, यहाँ पे इसने पोल्यूशन कर दिया उसको, समझ रहे हो। तो ये जैसे नीचे के जितने भी थोड़े वर्ड्स है हाँ वो भी उसने चेंज करा है। तो ये टर्बो स्पिनर का एक अच्छा ये है कि ये तुम डिजिटल मार्केटिंग करते टाइम पे भी इसको यूज कर सकते हो कि हम कोई भी सेंटेंस को घुमा सकते हैं, समझ रहे हो। तो प्लैगरिज्म नहीं निकलता, प्लैगरिज्म क्या होता है जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। हाँ प्लैगरिज्म क्या होता है कि बहुत सी कंपनीज में प्लैगराइज डेटा नहीं चलता, मतलब अगर आप कोई सेंटेंस उठा रहे हो गूगल से उसको उठा के छाप रहे हो अपने प्रोजेक्ट में रिपोर्ट में तो वो कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती, इसके वजह से हर एक इंडस्ट्री में ये होता है कि प्लैगरिज्म नहीं चलता। तो इसीलिए टर्बो स्पिनर बहुत अच्छा टूल है ये, अपने इसका स्पेलिंग सब लोग लिख लो अपने पास ठीक है, ये तुम्हें कोई भी इंडस्ट्री में काम आ सकता है। अब वापस चलते इस पे ठीक है, रेस्ट्रेंट। अब
इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हो गया ड्राइवर, हो गया रेस्टोरेंट, हो गया। अब अपॉर्चुनिटी, जो मैंने तुम लोगों को बताया था, अपॉर्चुनिटी एक ऐसी, एक ऐसा फैक्टर है कि कोई भी मार्केट, ठीक है, अभी उसकी, उस फैक्टर के वजह से अभी वो मार्केट की ग्रोथ नहीं हो रही, पर फ्यूचर में 5-6 साल बाद 10 साल बाद ये फैक्टर के वजह से इस मार्केट की ग्रोथ होने वाली है, समझ रहे हो। उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। जैसे वो कोई फैक्टर है, ठीक है, अभी तो ग्रोथ नहीं हो रही, जैसे देखो अभी डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, हम पूरा वो करते हैं, अपना कैंपेन रन करते हैं, एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, इंस्टा एड डालते हैं, फेसबुक एड डालते हैं, अभी वो सब चल रहा है। अभी 10 साल बाद एआई की वजह से क्या होगा कि हर जगह एआई यूज होगा, कंपनी में सॉफ्टवेयर होगा, अब इंसानों की जरूरत ही नहीं होगी। इंसानों की जरूरत क्यों नहीं होगी, क्योंकि इंसान खुद, उनको पैसे देने पड़ते हैं सैलरी, समझ रहे हो, 30,000-40,000 देना पड़ता है, तब वो लोग एड रन करते हैं। अब एआई आ जाएगा, एआई से क्या होगा, 5-10 हजार में अपना उसको ये दो और फिर हर महीने उससे कैंपेन रन कराओ अनलिमिटेड वाला। तो ये जो है मार्केट, समझ रहे हो, डीएफ का मार्केट और ज्यादा बढ़ेगा आगे फ्यूचर में, अभी तो चल रहा है लेकिन आगे एआई की वजह से बहुत बढ़ेगा। तो तुम लोग समझ रहे हो, अपॉर्चुनिटी वो चीज है जिसके वजह से अभी कोई फैक्टर की वजह से वो मार्केट नहीं बढ़ रहा है, पर आगे जाके वो बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो अभी हर नहीं 90% जो मार्केट पे हम काम करते हैं ना, 90% ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब टेक्नोलॉजी, यही हम लोग अपॉर्चुनिटी में लिखते हैं 90% मार्केट में, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है ना कि वो कभी बंद नहीं होगी, वो बढ़ेगी बढ़ेगी, ग्रो होगी, समझ रहे हो। हाँ, तो वो और बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मार्केट में भी वही है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से फ्यूचर में ये और बढ़ेगा, तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी में मैंने वो लिखा है। ये भी मैंने पूरा का पूरा चैट जीपीटी से ही छापा है, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग, तो वो सीख लो तुम लोग, ठीक है। ये है, अब देखो ये तीनों हमने सीखा, ड्राइवर सीख लिया, रेस्टोरेंट सीख लिया, अपॉर्चुनिटी सीख लिया। ये जब मैं तुम लोगों से शेयर करूंगी ग्रुप में, तब तुम लोग अच्छे से पढ़ना इसको, ठीक है, क्या लिखा है, ठीक है, वो पढ़ना। और मैं फिर एक बार रिपीट करती हूँ, यार कोई आया तो नहीं, आया था क्या, नहीं, ठीक है, तो ये तुम लोग पढ़ना, ठीक है। अब देखो, अब मैं और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ इसमें, ठीक है, वो भी तुम लोग अच्छे से ध्यान दो। अगर तुम लोग थोड़ा इसको ध्यान देके पढ़ोगे, ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये सेंटेंस तुम लोग पढ़ो अच्छे से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेटा पब्लिश्ड ऑन अप्रैल दिस 2023, ठीक है, बाय यूरोपियन एसोसिएशन जो भी है, द न्यू कमर्शियल व्हीकल दिस। अब देखो ये मैंने क्या लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कुछ चीज लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कर रही हूं कि लैपटॉप मार्केट, अगर फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप मार्केट पे मैं मार्केट रिसर्च रिपोर्ट बना रही हूँ, तो मैं अगर उसके ऊपर लिखूंगी सारी चीजें, लैपटॉप मार्केट कैसा है, क्या है, ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने रिपोर्ट में ये भी चीज ऐड कर रही हूँ कि पुणे में 2023 में, पिछले साल पुणे में 2023 में करीब 5,000-6,000 लैपटॉप बिक गए, समझ रहे हो, तो वो मतलब कितना अच्छा होगा, वो ये सेंटेंस ऐड करना मेरे रिपोर्ट में, मतलब जो खरीदने वाला होगा मेरा क्लाइंट, वो देखेगा, उसको बोले, वो बोलेगा यार इन्होंने तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ये ऐड की है, समझ रहे हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, समझ रहे हो। अब क्रिकेट सब लोग देखते हो ना, क्रिकेट पता ही होगा थोड़ा बहुत, नहीं भी देखते हो तो क्रिकेट में क्या होता है, हम जब क्रिकेट देखते हो तो उसमें विराट कोहली ने, ठीक है, 2023 में उनका परफॉर्मेंस एवरेज था, लेकिन 2024 में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, वो हमें स्टैटिस्टिक्स मिलता है, वो दिखाते हैं ना, कमेंट्री जो कमेंटेटर होते हैं वो लोग बोलते हैं
ऐसा था अभी 2024 में उनका परफॉर्मेंस कुछ नंबर में इतना है उतना है, स्टैटिस्टिक्स देते हैं, समझ लो। तो ये हमें इससे क्या पता चलता है, हमें और वो हमारे दिमाग को अच्छा लगता है, हाँ यार ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन, फिर और बड़े फैन बन जाते हैं विराट कोहली के, समझ लो। वही चीज है मार्केट रिसर्च रिपोर्ट में कि स्टैटिस्टिक्स का इतना बड़ा रोल है तो ये डालना ही डालना है। अब तुम लोग बोलेंगे ये कैसे डाल सकते हैं, पहली बात जो स्टैटिस्टिक्स होता है चैट जीपीटी या एआई पे मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है स्टैटिस्टिक्स। चैट जीपीटी क्या करता है, हमें पूरा डेटा दे देता है उठा के। चैट जीपीटी को कहां से डेटा मिलता है, गूगल से मिलता है, वो गूगल से उठा के यहां वहां से दे देता है। लेकिन ये जो है जो नंबर का खेल है ना, ये स्टैटिस्टिक्स ये हमें खुद ढूंढना पड़ता है गूगल पे, चैट जीपीटी या कोई भी एआई नहीं देता वो, और देता भी तो झूठ देता है, ठीक है। तो हमें कैसे ढूंढना है स्टैटिस्टिक्स वो मैं बताऊंगी, ठीक है। जाओ गूगल पे, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कर रहे हैं ना हम, ठीक है चलो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का ढूंढते हैं। कि अभी देखो ये जो मैंने ड्राइवर यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है मैंने ड्राइवर, ये ऊपर क्या लिखा है, रैपिड ग्रोथ ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मतलब गाड़ियों की इंडस्ट्री, समझ रहे हो, वो इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है, इसके वजह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग मार्केट बढ़ रहा है, ये लिखा है। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स ढूंढने का ट्राई करती हूँ। जो भी आपको ऊपर ड्राइवर होगा ना, उसी से रिलेटेड आपका स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। जो भी यहाँ पे ऊपर होगा उससे रिलेटेड आपका ये स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द न्यू कमर्शियल व्हीकल रजिस्ट्रेशन ऑफ वैन ट्रक्स एंड बसेस, ठीक है। ये कुछ तो मैंने लिखा है जो मुझे खुद को भी नहीं समझा, पर मैंने लिख दिया क्योंकि ये बहुत अच्छा कुछ तो इन्फॉर्मेशन है। तो ये बहुत ही आसान है ढूंढना, पता है कैसे, जाओ इधर, ठीक है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ग्रोथ प्लस स्टैट्स, स्टैट्स मतलब स्टैटिस्टिक्स, तुम लोग स्टैटिस्टिक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स प्लस, ठीक है। अब ये डाल दो ओआरजी प्लस जीओवी, क्योंकि देखो अगर मैं ओआरजी जीओवी नहीं डालूंगी तो वापस ये कुछ भी मेरे को फालतू डेटा देगा। देखो ये स्टैटिस्टिक कंसल्टिंग कंपनी है, उसका मुझे नहीं चाहिए डेटा, इसने ये अच्छा डेटा दिया आईबीईएफ, ठीक है, ये गवर्नमेंट का एक डेटा है इंडियाज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, तो ये एक अच्छा डेटा है। बाकी सब ये देखो जायन मार्केट रिसर्च, यहाँ पे मैं काम करती थी, तो ये इनका भी डेटा इन्होंने दे दिया है, यूजलेस है क्योंकि मुझे ऐसे छोटे छोटे कंपनीज का डेटा नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे वापस क्या करूंगी, प्लस ओआरजी प्लस जीओवी, मतलब अच्छा डेटा चाहिए इसीलिए, फिर एंटर किया, ये देखो आईबीईएफ इंडियाज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, समझ रहे हो तुम लोग कितना डिफरेंस है कीवर्ड्स का, कितना डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो, अब तुम लोग, मैं और ये कीवर्ड्स का अच्छे से बताती हूँ कि अगर तुम लोग, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में अगर तुम लोग गूगल करोगे, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम, कोई भी दुनिया का फालतू आर्टिकल भी तुम्हें मिल जाएगा गूगल पे, ठीक है, मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम लोग प्लस आगे डालोगे प्लस, ठीक है, क्या आईसीसी है ना, बीसीसीआई जो इंडिया का ये है क्रिकेट, हाँ क्रिकेट का वो पैनल है, तो अगर उस ये बोर्ड का नाम अगर तुम डालोगे बीसीसीआई प्लस बीसीसीआई, तो वो सिर्फ बीसीसीआई के ही आर्टिकल देगा गूगल, समझ रहे हो। तो इतना इंपॉर्टेंस है कीवर्ड का। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने ओआरजी जीओवी डाल दिया, अब मुझे ये अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन इंडियाज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अब इसको मैंने खोला यहाँ पे दूसरे टैब में, अब यहाँ पे देखो मुझे कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है, ये देखो द ऑटोमोबाइल सेक्टर रिसीव्ड दिस, ठीक है, डॉलर्स इतना बिलियन बिटवीन क्या अप्रैल 2000 से लेके सितंबर 2023, मतलब इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है, समझ रहे हो। यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है, कुछ तो स्टैटिस्टिक्स, तुम लोग समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा उठाओ और यहाँ पे डाल दो, तो जो क्लाइंट होगा वो देखेगा, वो बोलेगा यार कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन इन्होंने डाला है, समझ रहे हो। लेकिन हम सीधे उठा के ऐसे नहीं डाल सकते, ठीक है, हमें ये लिखना ही पड़ता है, ये हर स्टैटिस्टिक्स जब हम डालते ना, तो हर स्टैटिस्टिक्स डालने से पहले हमें ये लिखना ही पड़ता है अकॉर्डिंग टू अ डेटा पब्लिश्ड ऑन, मतलब ये जहां से भी हम
उठा रहे ये चीज, ये कब पब्लिश हुआ था, ये भी मायने रखता है। ऐसे थोड़ी है कि भाई ये आर्टिकल जो है 2000 का है, 2000 का है, ठीक है, मतलब 2000 का आर्टिकल है, मतलब कितने 24 साल पुराना आर्टिकल है वो मैं उठा के डाल रही हूँ, ऐसे थोड़ी चलता है। पिछले मतलब पिछला जो लेटेस्ट वाला न्यूज है हमें वही चाहिए जो पिछला वाला है, समझ रहे हो तुम लोग, इसीलिए जरूरी होता है। तो ये हम कैसे पता करेंगे कि आर्टिकल कब पब्लिश हुआ था, नीचे आओ, ठीक है, ये देखो कॉपीराइट इतना इतना, मतलब ये आर्टिकल लेटेस्ट है, ये 2024 में पब्लिश हुआ है, समझ रहे हो तुम लोग, तो ये नया है, काफी फ्रेश आर्टिकल है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, अकॉर्डिंग टू अ डेटा पब्लिश्ड बाय IBEF, ये किसका आर्टिकल है, IBEF, ये पता करो अलग से, what is IBEF, हाँ ये है, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन इज अ ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड बाय दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समझ रहे हो। तो ये हमें पूरा कॉपी करना है, इतना पूरा, और यहाँ पे डालना है, ठीक है, यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू अ डेटा पब्लिश्ड ऑन, या फिर अगर डेट नहीं मिल रहा है तो अकॉर्डिंग टू अ डेटा पब्लिश्ड इन 2024 बाय IBEF, एंड व्हाट इज IBEF वो पूरा लिखो कि इट इज अ ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड बाय दिस, ठीक है, उसके बाद बाकी का डेटा लिखो तुम, ये पूरा जो ऑटोमोटिव जो इन्होंने बताया था ना हमें यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बोला कि कितना अच्छा डेटा मिला है, वो पूरा का पूरा उठा के छाप दो, ठीक है, ये वाला या कोई भी, मैं तो ये बस एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी डेटा छाप सकते हो, ठीक है, नीचे आ रहे हो, नीचे भी तुम्हें अच्छा खासा डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, इन अप्रैल 2024 द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स, थ्री व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, क्वाड्री साइकिल्स वॉज इतना इतना यूनिट, समझ रहे हो तुम लोग। तो ये कितना अच्छा डेटा, ये उठा के यहाँ पे ये भी डाल सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स का इतना बड़ा रोल होता है, समझ रहे हो, स्टैटिस्टिक्स का इतना बड़ा रोल होता है। तो ड्राइवर में डाल सकते हो तुम एक स्टैटिस्टिक्स, देखो ऊपर मैंने कहीं नहीं डाला है, ऊपर कहीं पे भी ऊपर सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिख दिया है चैट जीपीटी से उठा के, ठीक है, नीचे ये थोड़ा बहुत डाल दिया अच्छा खासा, और फिर वापस नीचे यहाँ पे दो स्टैटिस्टिक्स मैंने डाले। उसके बाद मैं नीचे आई रेस्ट्रेंट, ठीक है, रेस्ट्रेंट में यूजुअली स्टैटिस्टिक्स नहीं डालते हम लोग, क्योंकि रेस्ट्रेंट एक ऐसा फैक्टर होता है जो मार्केट को घटा रहा है, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स डाल के फायदा थोड़ी है, समझ रहे हो। रेस्ट्रेंट में अगर हम स्टैटिस्टिक्स डालेंगे तो कोई मतलब ही नहीं, तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स नहीं डालते, इसके ऊपर सिर्फ लिख देते हैं कि भाई ये चीज के वजह से, जैसे अभी देखो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑपरेशंस, मतलब जो हमारे सराउंडिंग में ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के वजह से जो लोगों पे हेल्थ पे असर पड़ रहा है, इसके वजह से ये मार्केट थोड़ा घट रहा है, घटने की संभावना है, समझ रहे हो, तो इसके लिए ये मार्केट घट रहा है। तो ये नीचे मैंने ये सब लिखा है, देखो द इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज काउंटेड अमंग द मेजर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज एज इट डिस्चार्जेस टॉक्सिक मटेरियल वगैरह वगैरह, ये सब लिखा है। तो एनवायरमेंट में इसका बड़ा गंदा इफेक्ट है, हेल्थ पे गंदा इफेक्ट है, समझ रहे हो, लंग्स वंग्स पे, तो इसके वजह से मतलब ये मार्केट घटने की संभावना है, ठीक है, फ्यूचर में। तो ये एक रेस्ट्रेंट हो गया, और अपॉर्चुनिटी वो तो मैंने तुम्हें बताई। इसमें भी देखो यहाँ पे मैंने एक न्यूज डाली है, ठीक है, इन अगस्त 2021 दिस कंपनी ऑफ ये जो भी एक न्यूज डाली। तो तुम लोग दो चीज, एक न्यूज और एक स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों तुम लोग डाल सकते हो अपने इसमें ड्राइवर रेस्टोरेंट या अपॉर्चुनिटी में, समझ रहे हो। या तो न्यूज डाल सकते हो कि 2024 में NMD ने जो है अपना ब्रांच कादरज में भी खोला, समझ रहे हो, इसके वजह से डिजिटल मार्केटिंग का जो मार्केट है ये बढ़ रहा है पुणे में, मतलब क्योंकि कंपनियां बढ़ा रही है अपना वो ब्रांच वांच खोल रही है, एक्सपांड कर रही है। तो समझ रहे हो तुम लोग कि न्यूज का स्टैटिस्टिक्स का इतना बड़ा रोल है हमारे रिपोर्ट में। तो ये हमने देखा। अब इससे रिलेटेड, ठीक है, कुछ भी किसी को मतलब डाउट है, हमने तीन चीजें सीखी। सबसे पहली चीज, कीवर्ड कैसे हमें ये करना चाहिए, मतलब ढूंढते वक्त कुछ भी हम जब गूगल पे ढूंढते हैं तो ढूंढते वक्त हमें कैसे कीवर्ड का यूज करना चाहिए, प्लस का क्या इंपॉर्टेंस है, कीवर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, वो देखा, ठीक है। सेकेंड चीज हमने देखी कि मतलब रिपोर्ट बनाते टाइम स्टैटिस्टिक्स का, न्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हो। तो ये चीजें हमने सीखी है, ये डायनामिक्स पूरा अभी नहीं सीखा है, डायनामिक्स का ये बस तीन चीजें हमने आधी डायनामिक्स सीखी है, समझ रहे हो। तो इधर में अभी तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, ऑनलाइन वाले
ऑनलाइन वालों कुछ डाउट है किसी को? नो नो मैम. ओके, तुम लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो मतलब पूछ सकते हो. बोलो बोलो मैम. लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ हाँ हो रहा है, हो रहा है सर, कर रहे रिकॉर्ड. ओके ठीक है. तो हमने देखो ये चीजें सीखी, डायनेमिक्स का आधा चीज हमने सीख लिया है. ठीक है, तो डायनेमिक्स में और भी चीजें हैं. पेस्ट एनालिसिस क्या होता है, रेगुलेटरी सिनारियो क्या होता है, ठीक है, की डेवलपमेंट वो तो खैर उसका पार्ट है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का, कोविड इम्पैक्ट ये क्या होता है, ये सारी चीजें जो है डायनेमिक्स का पार्ट है. इसका डायनेमिक्स जो सेक्शन है मार्केट रिसर्च रिपोर्ट का, ठीक है, उसका पार्ट है डायनेमिक्स. तो डायनेमिक्स में हमने तीन चीजें अभी सीखी, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये तीन चीजें मतलब अगर मैं और आगे ये सब तुम लोग को सिखाने अभी जाऊंगी तो मुझे लगता है वो ज्यादा ओवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आज हमने कीवर्ड सीखा, बेसिक सारी चीजें सीखी कीवर्ड्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है, चैट जीपीटी हम कैसे इसमें यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो तुम लोग? तो मुझे लगता है कि ये आधा डायनेमिक्स अभी सीखना बेटर रहेगा. बाकी का ये जो पार्ट है पेस्ट एनालिसिस, ठीक है, ये रेगुलेटरी सिनारियो, उसके बाद कोविड इम्पैक्ट, ये तीन चीजें हम लोग कल सीखेंगे, अगर अगर सर कल रखेंगे लेक्चर तो, ठीक है, तो ये तीन चीजें हम लोग बाकी नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तुमसे कि तुम लोग जब मैं ये भेजू रात में या शाम में तो तुम लोग ये अच्छे से पढ़ो. ये नीचे का मैं कुछ भी नहीं भेजूंगी, हम लोग जितना सीखेंगे उतना ही मैं भेजूंगी ताकि तुम्हारे ऊपर से ना जाए फालतू, ठीक है. तो कुछ भी डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो कुछ भी. जो रिपोर्ट होता है वो भी ऐसे ही होता है, पीपीटी में बनाया जाता है मार्केट रिसर्च कंपनीज में, ठीक है, पीपीटी में बनाते हैं रिपोर्ट, उसके बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर क्लाइंट को भेज देते हैं. तो ऐसे ऐसे बनाया जाता है, ठीक है. एक बार मैं वापस ना, थोड़ा 10 मिनट है अपने पास तो मैं रिपीट कर देती हूँ सारी चीजें, ठीक है, जो लोग लेट आए थे उनके लिए भी है. और कल से प्लीज यार लेट मत आना, एक मिनट भी लेट नहीं चलता, क्योंकि सिखाने में ना थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं और वो क्या होता है कि फिर ना वापस रिपीट करना पड़ता है, समझ रहे हो? हाँ, तो लेट मत आया करो प्लीज. अगर तुम्हें एक टाइम दिया जाए तो प्लीज उस हिसाब से अपना स्केड्यूल ये करो और उसी टाइम पे आया करो. तो मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री, ठीक है, हम सीख रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट के बारे में. रिसर्च एनालिस्ट पोजीशन का नाम है, पोजीशन, ठीक है. इतने लेट कौन आ रहा है? अच्छा ठीक है. तो मार्केट रिसर्च जो रिसर्च एनालिस्ट है हम उसके बारे में सीख रहे हैं, पर रिसर्च एनालिस्ट पोजीशन का नाम है, समझ रहे हो तुम लोग? जैसे डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग क्या एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट, वैसे ही रिसर्च एनालिस्ट एक पोजिशन है जो मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री में होती है. मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री जो है वो स्टॉक मार्केट नहीं है, वो डेटा एनालिस्ट नहीं है इंडस्ट्री, वो मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, कुछ नहीं है, ये बहुत ही अलग इंडस्ट्री है आईटी की, समझ रहे हो? ये इंडस्ट्री काम करती है बी टू बी के लिए, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर भी, समझ रहे हो? अब इसके लिए कोई भी ग्रेजुएशन चाहिए, बेसिक इंग्लिश चाहिए, ठीक है. उसके बाद ये जो इंडस्ट्री है ये दो इसमें काम करती है, दो टाइप्स के सर्विस इंडस्ट्रीज को केटर करती है. पहला है प्रोडक्ट बेस्ड, प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज, समझ रहे हो, जो बनाते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं, और सर्विस मतलब सर्विस ऑब्वियसली वो भी, ठीक है. अब मार्केट रिसर्च रिपोर्ट में एक एनालिस्ट का काम क्या होता है बेसिक, वो मैं तुम लोग को सिखा रही हूँ. मार्केट रिसर्च रिपोर्ट जो होता है, रिपोर्ट वो पीपीटी में बनता है, पीपीटी में. अब उसमें चार चीजें होती है, डायनामिक्स, सेगमेंट राइटअप, रीजनल राइटअप और कंपनी प्रोफाइलिंग या कॉम्पिटिटर एनालिसिस.
तो पहला हम लोग अभी सीख रहे हैं, डायनामिक्स सीख रहे हैं अभी, समझ रहे हो? तो डायनामिक्स में ये चीजें होती है, इसके अलावा और भी चीजें होती है, ठीक है, जो हम पीपीटी में सीखेंगे। ये डायनामिक्स सबसे लेंथी वाला बड़ा, सबसे बड़ा पार्ट होता है मार्केट रिसर्च रिपोर्ट का, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, ये वाला सबसे बड़ा होता है। तो आज हमने तीन चीजें सीखी, ड्राइविंग फैक्टर्स, रिस्ट्रेनिंग फैक्टर्स और अपॉर्चुनिटी, समझ रहे हो? हमने सीखा कीवर्ड का क्या रोल है, कीवर्ड कैसे यूज किया जा सकता है, ठीक है, गूगल पे कोई भी चीज ढूंढते हुए। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है, न्यूज हम लोग दे सकते हैं, न्यूज का क्या रोल है, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, ड्राइवर्स में, रेस्ट्रेंट में, अपॉर्चुनिटी में। रेस्ट्रेंट में स्टैटिस्टिक्स ऐड नहीं करते क्योंकि रेस्ट्रेनिंग फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है जो मार्केट को घटा रहा है या फ्यूचर में घटाने घटा सकते हैं, गिरा सकते हैं, तो इसमें हम स्टैटिस्टिक्स नहीं डालते, इसमें डालते हैं और इसमें डालते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है, देन कोई अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप लोग मतलब जा सकते हो, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ग्रुप में अपडेट मिलता रहेगा टाइम से रिलेटेड, ठीक है, तो एक्टिव रहा करो ग्रुप में, समझ रहे हो? और यही लिंक है सेम, ठीक है, थैंक यू। Thank you.